सो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज रेहान अली फ्रॉम रेहान टीवी ऑफिशियल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दोस्तों आप लोग किस तरह से पाकिस्तान में पबजी को अनबैन करके किस तरह से खेल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाई थी, जिनमें मैंने आपको कुछ VPNs बताए थे जिनकी मदद से दोस्तों आप लोग ईजिली पाकिस्तान में पबजी को अनबैन करके खेल सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग उन VPNs को कनेक्ट करते हैं और अपनी पबजी को अगर आप लोग ओपन करते हैं तो दोस्तों आपकी आईडी को, यानी कि पबजी की जो आपको आईडी है, जो आपकी आईडी, उसको दोस्तों 10 साल के लिए ब्लॉक किया जा सकता था। क्योंकि दोस्तों ये जो हैकर्स हैं वो VPN का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हम हैकर तो नहीं है। सो इसी दोस्तों हमारी जो पबजी की आईडी, अगर हम लोग VPN कनेक्ट करके उसको ओपन करेंगे तो हमारी पबजी की आईडी को जो है 10 साल के लिए टेम्परेरी ही ब्लॉक किया जाता है और हमें उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से विदाउट वीपीएन के पाकिस्तान में पबजी को अनबैन करके किस तरह से खेल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सी ट्रिक है, एक आपको सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। सो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल रेहान टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे मौजूद रहकर लेकर सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दें, साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। तो दोस्तों ये जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों बहुत ही आसान सी ट्रिक है। सो दोस्तों अगर आप लोग VPN को जो है, मैं आपको बता रही हूं, अगर आप लोग VPN को कनेक्ट करके पबजी को ओपन करते हैं तो आपकी जो आईडी दोस्तों 10 साल के लिए टेम्परेरी बैन की जाती है। क्योंकि दोस्तों हैकर जो है, जिस टाइम हैकिंग करते हैं तो VPN का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इसलिए जो है दोस्तों आप लोगों ने VPN कनेक्ट नहीं करना। दोस्तों अगर आप लोगों को जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने VPN को क्यों नहीं कनेक्ट करना। सो दोस्तों VPN कनेक्ट करने से आपकी आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है। सो दोस्तों बात की जाती है आज की सीक्रेट ट्रिक की, कि आप लोग किस तरह से पाकिस्तान में पबजी को अनबैन करके किस तरह से खेल सकते हैं। सो इसके लिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास, यानी कि जो भी नेटवर्क है दोस्तों, अगर आपके पास यानी कि टेलीनार का नेटवर्क है, यूफोन का नेटवर्क है, जेस का नेटवर्क है, सो अगर आप उसके ऊपर पबजी को ओपन करते हैं तो आपके पास बिल्कुल मतलब कि प्ले नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग पबजी को ईजिली पाकिस्तान में अनबैन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने करना क्या है, दोस्तों अगर आप लोग पाकिस्तान में पबजी को अनबैन करके खेलना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपके पास सिंपली से ज़ोंबी सिम होनी लाजमी से ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप लोगों के पास ज़ोंबी सिम नहीं है तो आप लोग निकलवा दें, या आपके घर में किसी बंदे के पास होगी तो आपके पास ज़ोंबी सिम लाजमी से होनी चाहिए। दोस्तों ज़ोंबी सिम होने के बाद आपके पास उसके अंदर इंटरनेट पैकेज वगैरह होना चाहिए जिसके बाद से आप लोग पबजी को खेल सकें। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पर दिखाऊँ तो मेरे पास दोस्तों इस टाइम जो है ना ज़ोंबी सिम मौजूद, आप लोग देख सकते हैं ज़ोंबी सिम पाक ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि इस टाइम मेरे पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ ज़ोंबी सिम है। सो आपके पास दोस्तों ज़ोंग की सिम होनी चाहिए एंड उसमें इंटरनेट पैकेज भी होना चाहिए। सो दोस्तों अगर आप लोगों के पास ज़ोंग की सिम नहीं है तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से विदाउट ज़ोंग की सिम के पबजी को अनबैन करके किस तरह से खेल सकते हैं और आपकी आईडी को भी नहीं ब्लॉक किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है अपना डाटा कनेक्शन ऑन कर दिया एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी पबजी को ओपन कर देते हैं। मैं आपको अपनी पबजी वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखें, सो हमारे पास जो पबजी है दोस्तों इजली प्ले हो चुकी है, ये देख सकते हैं टेलीजन गेम्स यहाँ पर प्ले हो चुकी है। और उन्होंने आपको अगेन से नोटिफिकेशन पहले में दिखा देते हैं कि मेरे पास ज़ोंकी ही सेम है इस मोबाइल में, और सिर्फ ज़ोंकी सेम आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास ओपन हो चुकी है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारी पबजी दोस्तों ओपन हो चुकी है। दोस्तों इसने जो है ना लोडिंग हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा पास कर दिया था। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखें, हमारे पास पबजी इजीली ओपन हो चुकी है। बस दोस्तों आपके पास आपकी ज़ोंबी सिम होनी चाहिए और उसमें जो है पैकेज होना चाहिए, वो भी इंटरनेट का। सो यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं आपको एक मैच भी प्ले करके दिखा देता हूँ। सो जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारी पबजी इजीली अनबैन हो चुकी है, मतलब कि आपके पास ज़ोंबी सिम होनी चाहिए और उसके अंदर आपके पास इंटरनेट पैकेज होना चाहिए। सो आप लोग इजीली दोस्तों पाकिस्तान में पबजी को खेल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों के पास और कोई नेटवर्क होगा, ज़ोंग जेस वाली टेलीनार नेटवर्क होगा, सो उसमें जो दोस्तों आपको जो मतलब कि उसमें आपको IP भी मिल सकती है। और अगर आपके पास दोस्तों वो वाला नेटवर्क है, मतलब कि ज़ोंग को छोड़ के और कोई नेटवर्क है आपके पास, टेलीनार जेस वाली यूफोन वगैरह, सो उसके अंदर जो है दोस्तों आपके पास पबजी नहीं वर्क करती। लेकिन दोस्तों जो ज़ोंग है दोस्तों इसमें पबजी इजीली वर्क कर रही है, वो भी स्मूथली तरीके के साथ, और ना ही दोस्तों ज़ोंग में पबजी बैन की गई है। सो दोस्तों आपके पास ज़ोंग की सिम होनी चाहिए। सो अगर आपके पास ज़ोंग की सिम नहीं है तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास ज़ोंग की सिम नहीं है तो आप लोग किस तरह से फिर पाकिस्तान में पबजी को अनबैन करके खेल सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देखें तो यार यहाँ पे इजीली जो है स्मूथली वर्क कर रही है मेरे पास। सो आपके पास सिंपली से ज़ोंग की सिम और उसमें इंटरनेट पैकेज वगैरह होना चाहिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।